नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश भर में फूंका केरल मुख्यमंत्री का पुतला। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा केरल के प्रदेश मंत्री रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के विरोध में मंगलवार को लिली टॉकेस चौराहे पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केरल के मुख्यमंत्री विजयन का पुतला जलाया। वहीं कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर केरल की लचर कानून व्यवस्था की निंदा की और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने कहा कि केरल के एक संगठन SDPI द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की लगातार हत्या की जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा केरल सरकार से मांग करता है कि SDPI पर अंकुश लगाकर हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करें। और पुतला दहन के अवसर पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश अहिल्या मौजूद थे। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जिस प्रकार से ओबीसी में अत्याचार बढ़ता जा रहा है लोगों पे, क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 3 जुलाई 2015 को इस देश में, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग, उसको लेकर इस राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन में एक मोर्चा होना चाहिए, तो एक ओबीसी मोर्चा का गठन किया, जिसकी मध्य प्रदेश के अंदर स्थापना 14 दिसंबर 2016 को हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष भी हम उसमें बने थे। तब से पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में ओबीसी वर्ग के मान और सम्मान को और राजनीतिक क्षेत्र में उसको स्थान को लेकर लगातार कार्य चल रहा है। अभी हाल ही में एक घटना हुई केरल प्रदेश में, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के मंत्री श्री रंजीत श्रीनिवासन जी की, वहाँ का एक जो संगठन चलता है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। केरल राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, ठप्प पड़ी हुई है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पी विजयन, जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि बेहद चिंतनीय है। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर के लक्ष्मण जी के निर्देशन में आज पूरे देश के प्रत्येक जिलों में केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन और उन हत्यारों पर कार्रवाई को लेकर ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरह से केरल सरकार का समर्थन प्राप्त है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, संपूर्ण राष्ट्र का ओबीसी वर्ग इस घटना से पूरी तरह आक्रोशित है और केरल सरकार से मांग करती है कि SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया संगठन पूरी तरह से अंकुश लगाकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार की मांग मध्य प्रदेश ओबीसी मोर्चा केरल सरकार से करता है। तो मध्य प्रदेश